मेडिकल चौक स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर दोपहिया वाहन पर आई एक महिला के कपड़ों पर पेट्रोल के छींटे उड़ने पर वो बौखला गई और तैश में आकर पंप के पुरुष कर्मचारी से असभ्य व्यवहार कर उसके साथ मारपीट करने लगी, बल्कि उसने डस्टबिन का डिब्बा उठाकर कर्मचारी को मार दिया। इसी बीच उसी पंप पर तैनात महिला कर्मचारियों से कुछ कहा सुनी होने पर तीन महिला कर्मचारियों ने वाहन चालक महिला की जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद ये मामला इमामवाड़ा थाने पहुंचा। इस मामले में इमामवाड़ा पुलिस ने सूचना पत्र देकर महिला को छोड़ा। पुलिस ने महिला के खिलाफ असंगेय अपराध दर्ज कर उसे सूचना पत्र देकर छोड़ दिया। इस बारे में इमामवाड़ा के पुलिस अधिकारी ने बताया कि हंगामा करने के बाद पेट्रोल पंप से उस महिला को थाने लाने के बाद उसके परिजनों को सूचित किया गया। परिजन थाने पहुंचे और उसे घर ले गए। घटना बुधवार को दोपहर में हुई। तो मेडिकल स्क्वायर के पास इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप है। उधर एक महिला उसकी मोपेड स्कूटर लेके पेट्रोल भरने के लिए आई थी। उसने वो टंकी उसकी पेट्रोल की फुल की और उसका उसके पैसे के बारे में वो देने से मना किया। वो वास्ते उधर जो पेट्रोल भरने वाली महिला कर्मचारी है, उन्होंने कैशियर को बुलाया। कैशियर ने उसके बारे में पैसे के बारे में पूछा तो गाली गलौज की, हाथापाई की और बाद में पुलिस स्टेशन में वो पेट्रोल कर्मचारी पेट्रोल पंप के कर्मचारी और वो महिला जब पुलिस स्टेशन में आई तो पेट्रोल कर्मचारी महिला ने जो कंप्लेंट दी वो हिसाब से अदखल पात्र गुन्ना का स्वरूप गुन्ना दाखिल किया है। तो उसके बाद जो विरोधक है अदखल पात्र गुन्ने में जो विरोधक है महिला उसने कुछ उसको कुछ मारपीट हुआ इस बारे में कुछ तकरार नहीं दी थी। उसके बाद में मालूम पड़ा कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो उनके घर वाले को संपर्क किया। बाद में उसके पति आने के बाद उस बारे में पति ने माफ़ी भी मांगी और वो जो पैसा पेट्रोल का है वो देने का वादा किया और उसका ट्रीटमेंट मानसिक स्थिति उसका ट्रीटमेंट साइकेट्रिक ट्रीटमेंट चालू है ऐसा पति ने बताया। तो बाद में ये वीडियो वायरल होने के बाद जो उनको संपर्क किया है उनका जो कंप्लेंट है वो हिसाब से अपन आगे वाली कार्रवाई कर देंगे।